की बात आती है। उन्होंने ऐसी विधि ली कि गाय के सींग में गुड़ लगा, गाय के सींग में गुड़ लगा। देखिए संभव है क्या? शावक परगाहन के लिए खड़ा है एक महिला मुख्य रूपानी, लेकिन खड़ा दूसरा लेकिन ये विधि कोई सोच सकता है कैसी कैसी विधि? आदिश्वर प्रभु ने जब दीक्षा दी और दीक्षा लेने के बाद घूमते रहे, विधि नहीं मिली, विधि नहीं मिली, अटपटी विधि। क्या विधि थी? किसी को पता नहीं था। राजा श्रेयांश को स्वप्न आया और जब स्वप्न आया तब परवाहन हुआ। उसके पहले कह रहे हैं लोग, महाराज मेरी कन्या ले लो, आभूषण ले लो, ये वस्त्र ले लो, ये ले लो, मेरा मकान ले लो, मेरी दुकान ले लो, जो भी है ले लो, लेकिन आहार कर लो। लेकिन जो दिगंबर मुनिराज होते हैं वे नौना भक्ति पूर्वक परगाहन होता है तभी सिंह वृत्ति से जाते हैं। ध्यान और सिंह वृत्ति से जाते हैं और श्रावक परगाहन करता है और फिर पढ़ते हैं। यदि विधि मिल जाती है, मन में विचार करते हैं कि आज ऐसा मिलेगा तो ही भोजन करेंगे, तो शांति सागर की बात कर रहे थे कि उन्होंने नियम ले लिया कि गाय के सींग में गुड़ लगा होगा और जब गाय के सींग में गुड़ लगा दिखेगा तभी मैं आहार ग्रहण करूंगा। घूमते रहे और किसी बाजार में से ऐसे निकल रहे थे, वहां पर गुड़ मंडी थी और गाय घूमती है बाजार में और गाय दौड़ी। लोगों ने कहा हटो 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 हटो, भगा रहे थे लोग, मारा जा रहे, मारा निकल रहे, लोग भगा रहे थे सबको, गाय को भी हटा रहे थे। गाय गई क्यों? जब विधि नहीं मिलती है तो लोग परेशान हो जाते हैं, तो वहां भी लोग परेशान हो गए होंगे, लोग हटा रहे होंगे, लोग अंदर से परेशान होंगे और गाय बीच में आ गई, गाय को भी हटाने का प्रयास किया और गुड़ मंडी थी, वह गाय जाकर के एकदम दुकान के पास गई और एकदम उसने सींग मारा और उसकी सींग में गुड़ लग गया। और महाराज जी देखिए ऐसी होती है, बस